Hey guys, we are live now. And please check for the audio ones and revert the comment section. Check for the audio and we लोग चेक करेंगे एक बार. Those who are live, please write comment section. Properly audible or not, जल्दी से करें. तो यस ओके स्टार्ट करते हैं. तो ये गाइस वेलकम टू अन अकेडमी. लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. और हम लोग अभी लेके आए हैं आपके लिए जो सिलेबस है वो नबी नेटवर्क. फाइन नेटवर्क में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी तक. केसीएल केवीएल पर कुछ क्वेश्चन किए हैं, उससे फर्दर आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना थ्रू कॉन्सेप्ट बताते हुए. लाइक ऐसा नहीं है कि क्विज की तरह सिर्फ क्वेश्चन किया, आपको आंसर करना है और मैं आगे बढ़ जाऊँगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन वट एवर यू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन और समथिंग लाइक दिस, है ना. ठीक है शुरू करते हैं. और अगर कोई भी इशू है लाइक नॉइज और समथिंग जस्ट लेट मी नो. कोई भी इशू है ठीक है. तो टाइम अभी इस क्लास का, चलो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन मेरा. क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन 6 टाइम एंड आई हैव आल्सो मेंटर्ड मोर देन 8,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया एंड आई हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर इन द फील्ड ऑफ ईएससी गेट एंड एसएससी जेईई. आई हैव आल्सो क्वालिफाइड वेरियस पीएससी एग्जामिनेशंस. नाउ सी, तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी टाइम है वो टाइम हो गया 10 AM क्लास का. पहले 11 बजे होती थी और अभी टाइम है 10 AM एंड सब्जेक्ट इज नेटवर्क एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. हम लोग करते हैं इस चैनल पर एज द चैनल नेम सजेस्ट कि गेट एंड ईएससी क्वेस्ट. फाइन, गेट एंड ईएससी क्वेस्ट फाइन. इसके बाद में मेरी 3 बजे क्लास होती है, दैट इज 3 PM और 3 PM जो क्लास होगी वो होगी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी ईसी पर. फाइन, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी. यहाँ जो सब्जेक्ट चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. और मैं सभी को बता दूं जो मेरे साथ यहाँ भी जुड़े हुए हैं कि यहाँ सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे भाई, हम पूरा इलेक्ट्रिकल भी कवर करेंगे. लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट मैं बोल सकता हूँ ठीक है. डिजाइन प्रॉपरली था उन्हीं के लिए बट हम लोग इलेक्ट्रिकल का भी कवर करने वाले हैं. सो सी, दीज क्लासेज आर एब्सोल्यूटली फ्री. उसके बाद भी अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी क्लास है 7 बजे आज 7 बजे, वो भी नेटवर्क की स्पेशल क्लास है. और उसमें मे भी कुछ क्वेश्चन थ्योरम्स के डिस्कस करेंगे लाइक सुपर पोजिशन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, सॉरी थेवेनिन थ्योरम. उसके लिए क्या करना है आपको, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इसको डाउनलोड कर लेंगे भाई. इसको डाउनलोड करने के बाद आप साइन इन कर लेंगे, यू नो वेरी वेल, जैसा कि सभी ऐप में आप करते भी हैं. हेलो हेलो एंड सी, यू पीपल विल गेट डेली लाइव क्लास. डेली लाइव क्लास आपको मिलने वाली है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा. उसके बाद यू विल फाइंड द कोर्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड द अनलिमिटेड एक्सेस. नाउ द अदर एडवांटेज, यू कैन लर्न विद इंडिया टॉप एजुकेटर. कोई बाउंडेशन नहीं है, जिससे आप पढ़ना चाहे उससे पढ़िए. सेकेंड थिंग, तो मैंने क्या बताया, अनअकैडमी लर्निंग है भाई, डाउनलोड कर लें. आप डाउनलोड करने के बाद आपको गोल चूज कर लें, गोल लाइक गेट ईएससी वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. उसके बाद आपको ऐसा दिखने को मिलेगा. फिर देखो भाई, जो मैंने क्लासेस बताई 11 बजे 10 बजे 3 बजे या 7 बजे स्पेशल, दीज आर एब्सोल्यूटली फ्री. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, आप प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को ले जाना चाहते हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है ठीक है,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए एक मंथ के लिए आपको पे करना होगा 5,000। तो मैं फिर आपको बता दूं कि अभी हाइक आपका 20th अक्टूबर से, आई थिंक 3 डेज आर लेफ्ट, ठीक है। तो इससे प्राइस में हाइक आने वाला है, तो जो भी लोग सीरियस हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वन सेकेंड, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और ESC और सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप क्या करेंगे, आप अभी से परचेज कर लें जिससे कि आपके लिए बेनिफिट हो। उसके बाद मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए खरीदें 25,000। उसके बाद भी आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज माय गिवन प्रोमो कोड NITIN YT। आप इसको अप्लाई कर दें, यू विल गेट 10% ऑफ इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई, मिल जाएगा 10% ऑफ। लेकिन ये मैं सजेस्ट करता हूँ जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, फाइन, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद भी जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, दे कैन गो फॉर 2 ईयर्स प्रोग्राम, 2 ईयर्स के लिए जाएं। और देखिए कितना कॉस्ट आया सिर्फ, यानी 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा और आपको मिल गया पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो इवन बेटर है, इवन बेटर है। और ये मैंने आपको बता ही दिया मेरा प्रोमो कोड, यानी 30,000 के बाद भी आप प्रोमो कोड, यू विल 27,000 यू हैव टू पे ओनली, है ना, दैट इज नॉट टू मच, ठीक है, फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, वहां करना शुरू करते हैं, सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आइए, नेटवर्क थ्योरी जो अब तक डिस्कस हुआ मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अभी तक जो मैंने सबसे पहले रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस पूरा डीप में कवर किया है, उसके बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हैं, ठीक है, और एनर्जी सोर्सेज, एक्टिव पैसिव, ये सब हम डिस्कस कर लिए। और इसके बाद भाई KCL और KVL भी जो थोड़ा बहुत मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, बिकॉज यू ऑल नो वेरी वेल हाउ टू अप्लाई दी बेसिक रूल्स। अगर किसी को फिर भी कोई इशू है, आई कैन एक्सप्लेन दी रूल्स अगेन, क्या कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में बता दें, मुझे कोई इशू नहीं होगा। अभी जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस रह गए थे KCL KVL पे, उनको सोल्व करेंगे। फर्दर विल मूव टू दी जो टॉपिक आपको दिख रहा होगा आज का, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड एनर्जी। वहां से 2-3 क्वेश्चन अच्छे आते हैं पावर का, देखो 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स, तो वो बेसिक मैं बताने वाला हूँ। सो नाउ मूव, देखो भाई सबसे पहले आपने कुछ क्वेश्चन तो बेसिक जो थे वही कर ही लिए थे, है ना, कर लिए थे उस दिन। तो मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी क्वेश्चन नॉन लीनियर लोड का नहीं किया, नॉन लीनियर लोड, देखो लीनियर नॉन लीनियर ये सब मैं बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ ना, जो ओम्स लॉ फॉलो करें, जो भी ओम्स लॉ फॉलो करें वो लीनियर, जो ओम्स लॉ फॉलो ना करें वो नॉन लीनियर। तो मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ अ 10 वोल्ट बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, लाइक सी 10 वोल्ट बैटरी है भाई ये, और इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम, फाइन, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नॉन लीनियर लोड। जैसे आप रजिस्टर कनेक्ट करते हैं ना, बस आप इतनी गलती ना करें, ये पैसिव एलिमेंट हो चाहे एक्टिव, आप उसको एक लोड की तरह दिखाएं, लाइक दिस, इज कनेक्टेड टू अ नॉन लीनियर लोड हुज VI कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। भाई अब आप देख के बताओ मुझे, क्या ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा सर, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो ये तो पैराबोलिक पाथ होगा, मीन सी। तो उसने बताया कि उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, लाइक सी, और ये भाई 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, फाइंड द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी। तो इसलिए मैंने करंट की डायरेक्शन ये मानी है, ठीक है, अगर पूछता करंट डिलीवर्ड बाय लोड, क्योंकि देखिए लोड क्या है आपका, पैसिव लोड है, नॉन लीनियर पैसिव है, वो डिलीवर नहीं करेगा। तो योर ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू फाइंड आउट दिस I। अब ये मुझे आप करके बताओ, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ आई, भाई जल्दी से करके बताएंगे, हाँ बताएं भाई जल्दी क्या आंसर आता है।
जल्दी बताओ, अदरवाइज क्योंकि अब इसमें कुछ क्वेश्चन में ऐसा है नहीं कि आपको कुछ बताया जा सके। बताएं, देखो जितना स्पीड से आप लोग क्वेश्चन करोगे, जितना स्पीड से आप करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओगे ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो अच्छा ये है कि आप स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कि देखो अब इस क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ बचा नहीं है, ने पूछा आइए आपको बताना है, आइए आपको बताना है और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये आई किसके इक्वल होगा, दिस आई वुड बी 10 माइनस बी बाई वन, हाँ ये इक्वेशन हो गई मेरी, ये दिख रहा है 10 माइनस वी। आप इधर आप चाहो तो के, उसके बाद उसने दिया है देखो आई की वैल्यू दी है वी स्क्वायर प्लस 2 वी बाई दिस है। तो यहाँ अगर आप देखो भाई दो चीजें हैं, एक तो आप यहाँ वी की वैल्यू रख दो, बट यहाँ से वी निकालोगे तो थोड़ा सा अजीब सी वैल्यूज आएंगी है ना। तो यहाँ से आप क्या करो, आई आप निकाल लो भाई, आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी स्क्वायर प्लस 2v/7, और ये पुट कर दो यहाँ, तो वी स्क्वायर प्लस 2v/7 वुड बी इक्वल टू 10 माइनस वी। तो वी स्क्वायर प्लस 2 70 इज इक्वल टू है 70 माइनस 7 वी, तो वी स्क्वायर माइनस 9 वी के भी साथ इधर जाके बस हो गया, सॉरी वी स्क्वायर प्लस 9 वी माइनस 70 है ना। तो यहाँ से देखो भाई मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी वी की, आप इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट टू वैल्यूज, लाइक एक आएगी 5 वोल्ट, एक आने वाली है 5, एक आएगी -14 वोल्ट। बस यहीं से आपको देखो, यहीं से आपको चीजें निकल के आए, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूँ गेट 1997 का क्वेश्चन है, काफी पुराना। इसके बाद आप क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन छोड़ते हैं। अभी मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि अब भाई गेट में पुराने क्वेश्चन आजकल NAT बन के आ रहे हैं, सेम पैटर्न पे 2016 में एक क्वेश्चन आया, क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में तो आप फिर भी आंसर बता दोगे, तो सब्जेक्टिव में या NAT में क्या होता है, आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे अब वी की दो वैल्यू आई, अब आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा कि वी की किस वैल्यू को लें। तो देखो भाई किस वैल्यू को लेना, अगर आप माइनस लोगे, माइनस लोगे तो पावर उल्टी डिलीवर करने लगेगा, बट ये पैसिव लोड है, उसने पूछा करंट डिलीवर्ड बाय दिस, तो वी की जो वैल्यू चूज करेंगे वो 5 करेंगे, तो 5 करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से आई इज इक्वल टू 10 माइनस वी, सो आई वुड बी 5 एम्पीयर। ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आ गया है, फाइन, कोई सोल्व किया किसी ने, सोल्व नहीं किया, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए, देखो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन गेट 2016 में इलेक्ट्रिकल में भी पूछा गया, क्वेश्चन क्या था, ये वी लगा हुआ था, एक वी, और द वैल्यू ऑफ वी वाज 300 वोल्ट, फाइन 300 वोल्ट थी। उसके बाद फिर यहाँ एक नॉन लीनियर लोड लगा हुआ, लाइक आर प्लस माइनस आर लगा हुआ था, करंट की डायरेक्शन ये थी, और उसने दिया हुआ था R इज इक्वल टू 25 प्लस I/2, यही दिया हुआ था R इज इक्वल टू 25 प्लस I/2 कर। ये गेट का क्वेश्चन है और आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, 25 प्लस I/2। तो उसने पूछा था फाइंड दिस I, यानी करंट डिलीवर्ड, बिल्कुल सेम, देखिए आप उसी की तरह है ना, उसी की तरह क्वेश्चन है, और 2016 में दो नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से भाई आपको क्या करना है, क्या करना है, देखो आई इक्वल टू 300, अगर यहाँ वी मान लोगे 300 माइनस वी बाई आई, सॉरी आई वुड भी 300 माइनस वी बाई आर, आर की वैल्यू आप रख दोगे, आर की वैल्यू आप रख दोगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन को, यार देखो सिंपल, इसकी इतने में इतना भी जरूरत नहीं है, आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 300 बाई आर ही होगा है ना, और आर आपको यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से आई की दो वैल्यू आएंगी, मैं आपको बता दूँ यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। देखो भाई दो वैल्यू आएंगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू चूज करनी है, तो मैं बस ये बता देता हूँ, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। तो देखिए क्वेश्चन NAT था, फिल करना था, ऑप्शन होते तो आप पकड़ लेते, NAT क्वेश्चन था, फिल करना था, तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, एक वैल्यू फिल करनी है। तो मीन्स एक वैल्यू कैसे फिल करेंगे, एक वैल्यू कैसे फिल करेंगे, देखो भाई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी क्योंकि रजिस्टर है, पावर डिलीवर वापस नहीं करेगा, तो आंसर वुड बी पॉजिटिव, फाइन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ
अब आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल सिंपल केसीएल केवीएल पे बेस्ड है, केसीएल केवीएल गेट 2013 का क्वेश्चन ये आपको करना है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर और करंट सोर्स आईएस, ठीक है ये सब आपको करना है। तो करंट आईएस इन द एम्पियर इन द वोल्टेज सोर्स, मींस ये वाली जो आईएस है ये आपको निकालनी है, आईएस आपको निकालनी है, मींस वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का उसमें कितनी करंट जा रही होगी एंड द वैल्यू ऑफ दिस वीएस। मींस देखिए कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट चाहिए और करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि कभी भी देखो भाई, ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइप के 1000 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। देखो हम एक टाइप का एक ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन वो बेहतर क्वेश्चन होगा, है ना, कि आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बना सकें। लाइक सी, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने क्या बताया कि देखो जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज और जो वोल्टेज सोर्स है उसके थ्रू करंट, ये आपको निकालनी है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी अपनी मन मर्जी से करंट थ्रू दी वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स 0 नहीं लेंगे। और ये मैं फिर बताऊंगा बाकी क्वेश्चंस में, बार बार बताऊंगा जब तक आप क्वेश्चन को समझना शुरू नहीं कर देंगे। तो करना शुरू करें, उसने पूछा है कि आईएस बताना है। सबसे पहले आप एक काम करो, आईएस बता दो, ये आईएस बता दो, बाकी वीएस देख लेंगे बाद। किसी का आंसर आना चाहिए, व्हाट वुड बी दी, 5 5 क्या शर्मा जी, वेलकम, आइए। और 5 क्या आईएस 5 होगा भाई? नहीं, अगर आप आईएस मुझे 5 बता रहे हो तो देखो आईएस तो गलत है ना, आईएस 5 नहीं है। आप जो 5 समझ रहे हो ना, 5, दैट इज समथिंग डिफरेंट, कुछ और है वो 5। और 5 भाई देखो, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं आईएस वीएस के, तो रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो सबसे पहले आईएस या तो 13 होगा या 8 होगा, या -8 होगा या -13 होगा। तो ऑप्शन देख लें पहले आप, जल्दी बताएं। हाँ जी, आई थिंक सी इज नॉट द आंसर, सी तो आंसर नहीं है भाई। हाँ शर्मा जी आप बताएं जल्दी, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ब्रांच में मिक्स करके लाता हूँ सब, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लेके आऊंगा या इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन लाता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, इंस्ट्रूमेंटेशन के भी, किसी भी ब्रांच के जो मुझे क्वेश्चन जहाँ से अच्छा मिलता है। हाँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है बट क्वेश्चन सारे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करके टाइम खराब नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखिए और खुद से ट्राई करिए। बाकी जो अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेफिनेटली सॉल्व, जल्दी बताएं। तो ये 5 क्या है फिर? देखो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सी हियर। देखो देखो भाई, ध्यान दो एक चीज पे कि मुझे आईएस, आप मुझे पहले ये बताओ, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनका कोई मतलब तो है नहीं। लाइक अगर मैं इसको ऐसे नीचे भी मिला दूं यहाँ तो कोई लॉजिक है क्या? कोई मतलब नहीं, मतलब और इसको यहाँ पे आप ऊपर भी मिला दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है जो दिया हुआ है ना। सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ, मीन्स एक ब्रांच पैरेलल में है। अब एक बात बताओ भाई, अगर ये पैरेलल में है तो ये वोल्टेज 10 वोल्ट ही रहने वाला है जी, बिल्कुल रहने वाला है। तो 10 10 क्या होगा जब, देखो 10/2 यानी 5 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, 5 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा। अब आप मुझे एक बार बताओ, 10 वोल्ट अगर इसके पैरेलल में है तो इसके भी तो पैरेलल में होगा, मीन्स 10 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा। अब इस वाले नोड ए पर केसीएल लगाओ, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, एट नोड ए लगा दो भाई। देखो 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो -2, 5 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है, और देखो भाई ये आईएस भी जा रहा है, इसको नहीं भूलना। यही लोग गलती करते हैं, इसको 0 लेते हैं, बट वो वही चीज उसने पूछ ली। सो आईएस वुड बी 10 5 15, 15 में से 13, मीन्स -13 एम्पियर इज आंसर, ये आंसर होगा आईएस का, ठीक है। तो अब तो देखो
वीएस निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन आईएएस के अकॉर्डिंग डी आ गया। बट फिर भी कि देखो हमें तो भाई कॉन्सेप्ट सीखना है, आप मुझे वीएस निकाल के बताओ क्या 20 आ रहा है। वीएस शर्मा ही निकाले, वीएस -8 नहीं है। देखो आपने कुछ मिस्टेक की है, -8 आंसर नहीं होगा इसमें। बस यही लोगों ने पता नहीं इतनी मिस्टेक्स की, डोंट नो वाई। कि करंट, आप एक बात बताओ भाई, ये वोल्टेज सोर्स है, पैसिव एलिमेंट है, तो करंट इधर की तरफ ही तो जाएगा दोनों में। समझो बात को यार, समझो बात को। मैंने कुछ ही नहीं किया, देखो मैंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया सिंपल। और देखो देखो भाई आप एक बात बताओ भाई, 5 यहाँ, 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा था। देखो इतना मैंने लिखा है आपके लिए, पढ़ना जरूरत नहीं थी मुझे। देखो 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 5 और 10 15 इधर जा रहा है, तो सीधी सी बात है ना भाई। देखो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, लो आपकी सहूलियत के लिए इसको दोबारा से ड्रॉ कर दूंगा मैं। प्लस माइनस वी एस, ये 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। देखो देखो यार इसको, बात को समझो। लाइक सी मैं बना देता हूँ इसको, ऐसे ही बनाऊंगा जैसे दिया हुआ है, क्योंकि आपको सारी स्थिति समझ आ जाएगी फिर। लाइक सी देखो भाई, देखो बताओ मुझे, देखो भाई 2 एम्पियर तो करंट यहाँ है, 2 एम्पियर यहाँ आपको पता चली 10 एम्पियर है, और यहाँ आपको पता चली 5 एम्पियर। तो इसको देखो यहाँ मिला दो आप, तो आप मुझे बताओ 2, 10 और 5 यानी 15 अगर जाएगी, 15 अगर जाएगी तो यहाँ से कितनी आनी चाहिए, 13। अभी तो बैलेंस होगा, 13 आनी चाहिए। अब 13 में से क्या होगा, 2 उधर से आएगी, 13 इधर से आएगी, 13 और 2 15, 5 और 10 बट के चली गई। यानी ये जो वोल्टेज सोर्स होगा ये 13 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा होगा। लेकिन देखिए देखो यहाँ पे, देखो यार ये जो करंट आईएस दिया हुआ है, डायरेक्शन उल्टी दी हुई है, सो आईएस वुड बी -3। ऐसा भी कर लो, मैंने आपके लिए पूरी जो चीज थी वो आपके सामने उठा के रख दी, अब तो कोई लॉजिक लगाना ही नहीं है। तो ये आपको तब आएगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, फाइन, जब आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। -8 अभी भी आपका गलत है, आप एक बार देखें मोटिवेशनल वीडियो शर्मा जी, अभी चेक करें, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आई विल ट्राई सम अनदर मेथड टू एक्सप्लेन, काफी डीप में एक्सप्लेन करूंगा फिर, बट आप एक बार देख लें, एक बार ही देख लें, इज इट क्लियर टू यू ऑल और सम इशू। क्योंकि अभी 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 हमारा वीएस निकलना बाकी है, वीएस निकलना बाकी है। क्लियर भाई, देखो वीएस में ना कुछ है नहीं, आप इस वाले लूप को पकड़ के ना केवीएल लगा दें। कि देखो -2+ वीएस यहीं पे लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ 2 एम्पियर करंट है, तो ड्रॉप ये होगा लाइक 5 टू द 10, -10। अब इधर घूम के आओगे तो इस वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 10 ही तो है, 10, तो वीएस वुड बी 20। ये तो एक सेकेंड का पार्ट, ठीक है बताओ जल्दी। चल रहा है, कोई बात नहीं, आ गया, गुड। सेकंड थिंग सी हियर, सेकंड थिंग उसने पूछा करंट इन 1 ओम रजिस्टर। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है ये कॉमन डेटा टाइप के क्वेश्चन है, पहले आते थे, अभी तो शायद नहीं आते। तो 1 ओम में निकालना है, 1 ओम ये है भाई, 1 ओम में हम आप खुद देख लो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 10 एम्पियर, ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 ओम में 10 एम्पियर, तो जरूरत सेकंड पार्ट को जरूरत नहीं। और आप खुद बताओ ये आपको कुल मिला के 4 नंबर देने वाला था, 2 मार्क्स का ये था, 2 मार्क्स का ये। यानी आपने विद इन, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है, विद इन 1 मिनट और 30 सेकंड्स आपको 4 मार्क्स मिल गए। बाकी इसको करके आगे बढ़ो, और टफ क्वेश्चन पे अपना टाइम दो थोड़ा सा, उसको सहूलियत से करो। आ गया सभी का 10 10, क्या आपके, हाँ बिल्कुल 10 परफेक्ट, यानी आपको समझ में आ गया, गुड। कोई नहीं ना, ये तो देखो भाई बता दिया करो, है ना, कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ही बैठा। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ, उस पे बेस्ड गेट 2012 वाला वो क्वेश्चन है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल लाइक सी, फॉर एग्जांपल कोई दो नेटवर्क है लाइक, कोई भी दो नेटवर्क हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक नेटवर्क 1 है, ये एक नेटवर्क 2, नेटवर्क 1 नेटवर्क 2। आप मुझे बताओ अगर ये अगर ये नेटवर्क सीरीज में है, अगर ये नेटवर्क सीरीज में है
मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आई जाएगा तो मुझे ये बताओगे जरा कभी इंटरकनेक्शन हो सकता है जब यहाँ से करंट आई वापस आएगा? बिल्कुल, यानी जो करंट जा रहा होगा वही करंट यहाँ से वापस आएगा, देन ओनली वी कैन इंटरकनेक्ट और सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो यार बोलो। ठीक है, समझ में आया? इतना इस पे बेस्ड ईसी 2016 का एक क्वेश्चन है, बट वो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, उसमें सोर्स देखो, वो क्वेश्चन जो है वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो जाएगा, क्या वो मैं यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ, बट जो लेके आया जो इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं होगा, ये गेट 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए भाई। वी ए माइनस वी बी 6 वोल्ट, यानी देखो भाई ये है ए और ये है बी, यानी वी ए माइनस वी बी 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो वी सी माइनस वी डी, यानी ये नीचे है सी, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, वी सी माइनस वी डी बताना है, करके बता दें। हालांकि मैंने स्पेशल क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, बट क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट है वो काफी बेसिक वाले हैं, तो उनको दोबारा ये कराना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो इसका आंसर। अब इसमें टाइम मत लेना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अगर दो नेटवर्क, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ना रजिस्टर वगैरह सब, इसको एक नेटवर्क मान लें, ये वाला ऐसे लाइक दिस, इसको एक नेटवर्क मान लो और ये इसको सेकंड नेटवर्क मान लो, तो दोनों सीरीज में होंगे, दोनों सीरीज में होंगे। ठीक है, तो जो करंट यहाँ से जाएगा, अब आपको हिंट दिए दे रहा हूँ पूरा, जो करंट यहाँ से जाएगा मान लीजिए आई, वही करंट यहाँ से आएगा भी, यहाँ से आएगा पर आई, पता लगा यहाँ दिखा दो कि सर ये तो क्लैश हो गया, टू इधर से इतना इधर से, तो बताओ मुझे आई कितना है, पहले तो बताओ यार आई कितना है, बताओ आई कितना है, आई तो दिया हुआ डायरेक्ट, आई तो डायरेक्ट दिया हुआ है, जल्दी जल्दी बता दें। थ्री आपका कैसा आंसर? 5 वोल्ट, देखो आएगा तो 5 ही, आई इक्वल टू 3, आई सही है, देखो भाई आई सही है। शर्मा जी आप एक चीज आप मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी, लाइक मैं आपको गलती बताता हूँ, जो आपका आंसर आया ना, अगर मैं सही हूँ और आपने कमेंट में लिखा है 5 वोल्ट, दिस आंसर इज एक्चुअली रॉन्ग, मतलब रॉन्ग मीन्स क्योंकि जो गेट में थे मैं ऑप्शन नहीं लेके आया, उसमें प्लस और माइनस दोनों था, तो आंसर आई थिंक -5 वोल्ट होगा। हाँ आंसर -5 होगा। मैं एक बार फिर से सोल्व कर देता हूँ, आप अपनी मिस्टेक चेक कर लें तब तक। ठीक, देखो यार आई तो आ गया 6/2 मीन्स 3 एम्पियर आई तो आ गया है, अब आप मुझे यहाँ से बताओ ये 3 एम्पियर करंट जाएगा, अब ये बताओ 3 एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर यहाँ से आया, तो 3 और 2 5 एम्पियर करंट जाने वाला है, और करंट की डायरेक्शन ये है, तो ड्रॉप ऐसे होगा, तो ड्रॉप कितना होगा 5 × 1 5 वोल्ट का। उसने पूछा वीसी माइनस वीडी बताओ मुझे, तो वीसी से स्टार्ट करो, वीसी वीसी ऐसे मूव करो, अब बताओ माइनस से प्लस है, तो भाई मैं क्या लिखूं, प्लस लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, प्लस 5 वोल्ट, फिर माइनस वीडी इक्वल्स टू 0, सो बच्चे फाइंड करो वीसी माइनस वीडी, आई थिंक -5 वोल्ट ही आंसर है, जो मैं पहले से ही आपको बता रहा था, क्योंकि तो बाकी देखिए बहुत सारे बच्चे इसका क्लास में आंसर गलत ही देते हैं +5 +5 में, तो इसलिए गेट वाले भी सबसे पहला ही ऑप्शन था इसका 5 वोल्ट। बिल्कुल सही, अब की बार आपका आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, सही है, ऐसे ही करते रहें क्वेश्चन को, करते रहें बस, समझें करें, फिर आप गेट में अपनी रैंक देखना, ठीक है, समझें करें और रैंक देखना फिर। बाकी सब्जेक्ट भी मैं जल्दी ही मैं बता दूं आपको, पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से ना कुछ एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, और सिर्फ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओनली ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक दिस, है ना, जैसा यहाँ पे कर रहे हैं, और चैनल में भी दूसरा होगा लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी, लेट्स क्रैक चैनल का नाम ये, गेट एंड ईएससी, और अभी ईसीई लिखा हुआ है वहाँ पे, बट सून विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू डबल ई, ठीक है, जो भी होगा, पर वहां पे मैं शुरू करूंगा, तो जैसे ही शुरू करने वाला हूँ टाइम वगैरह अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, ठीक
किसी को, अच्छा एक बार बताओ, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? लाइक अगर हम जैसे रात में कोई मैराथन करें, लाइक पावर सिस्टम का रात को कर दें 11 से 12, लाइक ऐसे रात में किसी को कोई इश्यू? रात तक तो पढ़ते होगे ना, वैसे भी पढ़ते होगे ना, रात को सो जाते हो 9 बजे? क्योंकि उसका सेशन मैं रात में लूंगा, अभी देखो दिन में टाइम नहीं मिलता, और भी क्लासेस हैं, तो उसको रात को लूंगा सिर्फ आपके लिए, आप लोगों के लिए सिर्फ पावर सिस्टम शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपकी पैरेलल प्रैक्टिस इधर नेटवर्क चलता रहेगा, उधर मेजरमेंट फुल कोर्स में करिए, पावर सिस्टम के क्वेश्चन शाम को करिए, और एस जितना भी हो सकेगा जल्दी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तो आपके 4 कोर सब्जेक्ट यार 1 महीने 1.5 महीने में हो जाएंगे, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? फिर रैंक क्यों नहीं आएगा? कहाँ कहाँ लैग करोगे, ठीक है, कहाँ लैग करोगे? हाँ सी, तो आप एक काम करो, ये क्वेश्चन भी हालांकि मैंने स्पेशल में कराया, आप फिर भी आप मुझे बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स, ये भी क्योंकि देखिए केसीएल पे बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट है वही वाला, कॉन्सेप्ट वही वाला है कि कभी भी वोल्टेज वोल्टेज सोर्स के थ्रू करंट को जीरो नहीं लेंगे आप, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी नोड पे यार लगाओ आप केसीएल, किसी भी नोड पे केसीएल लगाओ और वी एक्स बताओ मुझे कितना, ये आपकी ड्यूटी है, प्रॉपरली इसको आप ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों कराता हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी गेट में क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलते आते हैं। लाइक एक चीज मैं आपको बता दूं, गेट में दो तीन टाइप से चीजें डिसाइड होती हैं, एक तो वो चाहता है कि आप आउटर लूप को पकड़ो केवीएल के लिए, दूसरी वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा कॉमन पॉइंट देगा। लाइक सी, इन दोनों में देखिए भाई, ये वाला ना कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट है, मीन्स इसका ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, तो इसको खींच के इधर ले आओ, जो बाहर वाला लेफ्ट हैंड वाला ए है उसको खींच के ऐसे राइट हैंड वाले की तरफ लेके आओ, इसे सोच के देखो, दोनों मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये जो 5 एम्पियर करंट जा रहा होगा ना भाई, ये सीधा यहाँ जा रहा होगा, यानी ये जो पोर्शन है ना शेडेड वाला, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लाइक दिस है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं, सीधा अपना यहाँ से शुरू होता है, ये ब्रांच यहाँ से ऐसे टर्न हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर ये है तो क्या ये वाली ब्रांच भी यहीं पे नहीं मुड़ जाएगी? कोई मतलब थोड़ी बनता है उसको इतनी दूर से घुमा के लाने का, तो ये भी यहीं पे बन जाएगी, तो हमें समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन। अब यानी इस वाले शेडेड पोर्शन का भी कोई मतलब नहीं है, सारा हिंट तो दे दिया, सारा ही तो दे दिया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब बताओ वी एक्स। बट हाँ फिर मैं बता दूं, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि इस वाले नोड बी पर केसीएल लगाएंगे, तो वे लोग एक मिस्टेक कर सकते हैं, वे बच्चे एक मिस्टेक कर सकते हैं, क्या कि यहां से अपनी मर्जी से करंट जीरो मान लेते हैं, ये एक प्रैक्टिस में होता है ना, क्योंकि हमें सिखाया नहीं होता इसलिए प्रैक्टिस में होता है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज मान लेंगे और शुरू कर देंगे, और जो आंसर आएगा आपका वो बिल्कुल गलत आने वाला है, एनएटी में भर के भी फिल करके आए थे बच्चे गलत आंसर, तो वो क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी देंगे, बट आपको फिर भी बता दूं ट्रिक ही देंगे, लेंथी नहीं देंगे गेट में, ध्यान रखना ये चीज हमें, और अगर आपका क्वेश्चन आंसर लेंथी जा रहा है तो आप फंस रहे हो, समझ लो तो आप ही कुछ मिस्टेक कर रहे हो। हाँ जी बताएं बताएं जल्दी, वी एक्स कितना आएगा, जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर करें। हाँ हाँ जी बताएं बताएं, हाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए, क्लास में बीच में भाग जाते हो क्या है? क्लास में भाग जाते हो बीच बीच में, जल्दी ऐसे मत जाया करो भाई, ऐसे मत जाया करो, ऐसे अकेला छोड़ के भाग जाते हो, यहाँ अकेला क्वेश्चन के साथ फंसा के छोड़ गए मुझे, कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसे टफ क्वेश्चन है भाई, ऐसे कैसे सॉल्व करूंगा, तुम छोड़ के चले जाओगे। शर्मा जी कहाँ हैं, बाकी बाकी लोग कहाँ हैं, सभी जो सोल्व करें इसको, देखिए काफी सिंपल है, कराया भी हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ कराया हुआ है, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। फिर से कर देते हैं, लेट्स सी सर, कर टाइम क्यों लग रहा है भाई इतना, देखो यार देखो समझो इसको भाई, आप मुझे एक बार बताओ, इस नोड पर केसीएल मैं अप्लाई करूंगा एट नोड ए, और एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में, एक लाइन में देखो,
भाई यहाँ जो वी एक्स है मीन्स यहाँ भी जो वोल्टेज होगा वी एक्स होगा, सबसे पहले देखो भाई -5 एम्पीयर करंट एक आ रहा है इधर से, +0.5 वी एक्स करंट जा रहा है उधर, है ना। देखो भाई 0.5 वी एक्स जा रहा है, 5 एम्पीयर आ रहा है, दोनों करंट हो गया। अगर यहाँ वोल्टेज देखो भाई कितना होगा, ये वी एक्स है तो यही तो वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ तक, तो करंट क्या जाएगी वी एक्स बाई ट्वेंटी, करंट क्या जाएगी वी एक्स बाई ट्वेंटी करंट जाएगी ना। निकाल भी सकते हो आप, वी बाई आर पता है आई, बट डायरेक्शन याद रखना अकॉर्डिंग टू दी गिवन पोलैरिटी करंट वुड बी आउटगोइंग, है ना, आउटगोइंग है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दी पॉजिटिव साइन हियर। नाउ सी दी अदर थिंग, भाई यहाँ वोल्टेज अभी मैंने आपको कितना बताया था वी एक्स बताया, तो यहाँ कितना वोल्टेज होगा बच्चे, यहाँ पे 0.25 वी एक्स होने वाला है, क्योंकि ये पैरेलल में है ब्रांच, पैरेलल में है तो सेम होगा, ठीक है, 0.25 वी एक्स, तो ये होगा भाई वी एक्स -0.25 वी एक्स अपॉन 10। बस ये इक्वेशन भर आपको सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा। आया किसी का? किसी का आंसर नहीं आया, इक्वेशन भी हम ही सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपका पेपर भी हम ही सॉल्व कर देंगे, बता देना कब है ना। तो 20 20 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी एक्स, और ये होगा 2 वी एक्स -0.5 वी एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो भाई 10 तो 12 और एक 13, 13 में से 0.5 माइनस कर दिया तो 12.5 बचा, 12.5, और ये इक्वल आया। अब तो वी एक्स निकालना हुआ काफी सिंपल, अपॉन 25, 12.5 है तो इसको 25/2 भी लिख सकते हो, तो ऊपर जाएगा ना, तो 8 वोल्ट आंसर आ गया, जैसा भी आप चाहें 8 वोल्ट थी, परफेक्ट। ठीक है, टीका नहीं आया, शर्मा जी भाग गए हैं, सोल्व करते रहें भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, मुझे सोल्व करना गया, मैं तो पता नहीं 1000 बार कर चुका हूँ इसको, ये तो प्रैक्टिस है, हो सकता है कि मिस्टेक भी हो, आप देखें उस चीज को, क्योंकि आपके लिए ही ए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सही, परफेक्ट टाइम में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ग्रेट, बस ऐसी प्रैक्टिस बनाए रखें। नाउ सी देखो भाई, मैं यहाँ अभी जो आने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर पे आने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर पे आने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो पावर तो आपको पता ही है, पावर क्या होगी वी इंटू आई, है ना, वी इंटू आई होने वाली है। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क लाइक पावर इंटू टाइम, है ना, पावर इंटू टाइम, तो वॉट सेकेंड इसकी यूनिट भी होती है आपको पता है ना, 1 वोल्ट सेकेंड 1 जूल के भी इक्वल होता है, ये भी पता होगा, 1 वोल्ट सेकेंड। फिर आप किलो वोल्ट आर वगैरह निकाल लेते हो, बट दैट पार्ट इज ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद में करेंगे, 1 वोल्ट सेकेंड 1 जूल। लेकिन देखो यहाँ जो बच्चे कॉन्सेप्ट है वो आपके फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूलेस का कॉन्सेप्ट नहीं, वो यहाँ जो मैं सिखाने वाला हूँ वो ये है कि सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई लोड है, लोड मतलब पैसिव की ही बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एलिमेंट है और लोड है, सिर्फ मैं लोड की बात कर रहा हूँ, और कोई ये एलिमेंट है, एलिमेंट है के क्रॉस वोल्टेज आपको ये पता है और करंट की डायरेक्शन ये है, मीन्स दैट लोड इज एब्जॉर्बिंग द पावर, पी एब्जॉर्ब कर रहा है, फाइन, पी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, ठीक है। इसके बाद सेम अगर लोड है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, वट एवर द एलिमेंट इज, मान लीजिए वोल्टेज की डायरेक्शन ये ही है और करंट की डायरेक्शन रिवर्ट हो गई है, मीन्स ये पावर क्या कर रहा है भाई, ये पावर डिलीवर कर रहा है, डिलीवर को नेगेटिव लोगे, मतलब अब ये क्या बन चुका है, लोड एक सोर्स बन चुका है, लोड ये वाला एक सोर्स बन चुका है अगर पावर की डायरेक्शन, क्योंकि देखो भाई पी प्लस वी लिखोगे बट करंट हो गया है माइनस आई, तो माइनस वी आई हो गया कि नहीं, और ये मैंने आपको लीनियर जब एक्टिव पैसिव बता रहा था वहां पर भी बताया होगा, ठीक है। नाउ सी अगर मेरे पास एक कोई सोर्स है, फाइन, अगर ये वोल्टेज वी
हो सकता है बाकी लोगों को पता भी हो, और ये करंट आई है तो ये जो सोर्स है वो पावर क्या कर रहा होगा, डिलीवर पावर डिलीवर कर रहा होगा, इसको पॉजिटिव लोगे, पावर डिलीवर कर रहा है ना बी आई। अगर सेम सेम सोर्स में, सेम वाले सोर्स में क्या करें आप, करंट की डायरेक्शन बदल दें, तो ये पावर क्या करने लगेगा, ये पावर एब्सोर्ब करने लगेगा, डायरेक्शन जो पावर रिटेन हो जाएगी वो नेगेटिव। इस कोई सी भी एक रेफरेंस पोलैरिटी वी और आई में से चेंज हुई, वी और आई में से चेंज हुई तो पावर, जैसे सपोज ये वी ये आई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, सो पावर एब्सोर्ब वो पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो भाई, आई नेगेटिव हो गया तो पावर डिलीवर्ड की बात होगी, है ना, पावर डिलीवर्ड वी, क्योंकि आई नेगेटिव हो चुका है और पावर नेगेटिव लोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में वी और आई दोनों नेगेटिव, मीन्स पावर एब्सोर्ब, फाइन वो पावर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर एक चीज नेगेटिव हो गई है क्या, वी, सो पावर वुड बी हियर डिलीवर्ड और नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद भर रखना है, बस इस कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको याद रखना है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ठीक, बस ये आपको याद रखना है। फाइन, सी जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे लाइव, शेयर कर दें और लाइक कर दें सेशन को, और भूलना नहीं है शाम को स्पेशल क्लास आज है 7 बजे, ठीक है, 7 बजे है स्पेशल क्लास, और 3 बजे है मेजरमेंट, ठीक है, तुम भी आ जाया करो, मेजरमेंट को भी कर लो। नाउ सी, अब ये क्वेश्चन है गेट 2010 का, इसमें क्या था, इन द सर्किट शोन पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इज, मतलब देखो ये वोल्टेज सोर्स है भाई, भाई ये वोल्टेज सोर्स है कि कितनी पावर सप्लाई कर रहा होगा। देखो भाई अगर सप्लाई कर रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन यही होगी, मान लीजिए एक करंट है आई, क्योंकि मुझे पावर सप्लाइड अगर करना है तो दो चीजें चाहिए, पावर क्या, तो वोल्टेज इनटू करंट ना, वोल्ट तो पता है 10 वोल्ट, बट मुझे करंट नहीं पता, तो अगर करंट पता चल जाए, अब देखो सी ये एक सोर्स है और पावर सप्लाई कर रहा है, ये कन्वेंशन देखो भाई, अब ये वाला कन्वेंशन देखो, ये कोई सोर्स है एनर्जी और पावर सप्लाई डिलीवर्ड या सप्लाई वट एवर, करंट की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, नहीं बिल्कुल सेम है सर, तो योर ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू फाइंड आउट दिस आई, भाई इस आई को फाइंड आउट करो आप, तो आई को फाइंड आउट करना तो आपको पता ही है, आप तो एकदम महारत हासिल है ही आपको केसीएल केवीएल में, फर्स्ट ईयर में सीख लेते हैं केसीएल, जल्दी से बता दो मुझे आई कितना आ रहा है, बस आई आ गया तो समझो आपकी पावर भी आ गई, पता है जल्दी से बताएं भाई। आधे में कितना आ रहा है आई, आई निकालने में कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, आई निकालने में आप देखो कोई क्या कर सकते हैं, ये है 1, ये है 2, यहाँ जो करंट जा रही होगी भाई वो कितनी जा रही होगी, 3 एम्पियर, ठीक है, दिख रहा है तो सीधा 1 2 दोनों इनकमिंग है। अब मुझे आप एक बात बताओ, 3 यहाँ से आ रही है, आई इधर से आ रही है, तो यहाँ जो करंट होगी वो I+3 होगी कि नहीं होगी, I+3। अब पहुंचते पहुंचते आप यहां आ पहुंचे हैं, अब यहां देखिए 1 एम्पियर इधर चला गया, तो I+3 में से 1 एम्पियर आप माइनस करेंगे, सो यहाँ करंट भाई I+2 होगी, जब ये I+2 होगी तो देखो यहाँ आते आते 2 इधर चला गया तो I ही तो बचा, ये सब कुछ आपका बैलेंस है, आपने सिस्टम को बिल्कुल ढंग से सही किया है, कोई मिस्टेक नहीं की है। अब आप मुझे फाइंड आउट करके बता दो कि कितना क्या होगा, देखो भाई अगर मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है पावर कितना, सॉरी करंट, तो देखो क्या पता है आपको, ऐसा लूप मत ढूंढना, ऐसा लूप या मैश कि वो ये करंट सोर्स बीच में आए आपके, वाई वाई, क्योंकि इस करंट सोर्स के अक्रॉस मुझे वोल्टेज नहीं पता है, रिमेम्बर मैं बार बार फिर ये चीजें आपको इसलिए लेके आता हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए ये चीज, ठीक है,
मुझे कुछ लूप या मैश ऐसा ढूंढना है कि जिसमें ये करंट सोर्स ना हो। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से चला, फाइन, ऐसे घूमा, बाहर आ गया और यूं घूमता हुआ ऐसे निकला, तो मुझे बताओ क्या ये सही है कि नहीं है? ये आउटर लूप हो गया, आउटर लूप हो गया है ना, मैश नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, मैश नहीं है। डेफिनेशन में फर्क बताया बच्चे मैंने पहले कि अगर कोई भी लूप को आप डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर लूप में तो मैश होगा। ठीक है, जिसको डिवाइड कर सकते हैं वो सिर्फ लूप ही होगा। तो आउटर लूप में मैंने फिर ये भी कई बार बोल चुका हूँ कि गेट में जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम ऐसे आते हैं कि आप आउटर लूप पकड़ के चलिए। ठीक है भाई, ठीक है। आया किसी का आंसर? कोई आंसर नहीं कर रहा है इसका, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम ही। -2 + 10 10, फिर इसके बाद मैं पहुंचा यहाँ। यहाँ देखिए ड्रॉप ऐसे होगा, प्लस माइनस। सो माइनस, देखो भाई 1 ओम है, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ तो 2 ओम हो जाएगा और करंट हो जाएगी भाई I+ से। इसके बाद मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंचा। देखो भाई, अगर यहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ पहुंच गया तो देखो I+2, I+2 × 2, ठीक है, -2 भाई, दो दो रेजिस्टेंस हैं, दो हैं, सो I+2 फाइन। और यहाँ घूमते हुए मैं यहाँ पहुंचा, यानी वापस। तो 10 − 2I − 6 − 2I − 4 = 0। देखो भाई, 6 और 4 10 माइनस, और ये +0 हो गया। मीन्स दिस आई वुड बी जीरो। सो पावर डिलीवर्ड बाई दिस सोर्स इज जीरो। ऑप्शन सर्च कर लो भैया, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, आया है किसी का? 0, बहुत सही, 0 है। तो देखो आंसर पावर डिलीवर्ड 0 है। देखो हालांकि मैंने स्पेशल क्लास में इसमें एक कॉन्सेप्ट आगे बताया था, बट यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप वो काम करेंगे, ये मैं आगे के लिए बता देता हूँ। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो गेट में आया हुआ है। इन फ्यूचर आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है? वो पूछ सकता है फाइंड दी पावर डिलीवर्ड बाई 1 एम्पियर करंट सोर्स एंड पावर डिलीवर्ड बाई 2 एम्पियर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है और मैं कल आपसे पूछूंगा इंडिविजुअली कितनी कितनी पावर डिलीवर करी, फिर मैं इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा कल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आप बताओ, देखो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आपने अगर डिपेंडेंट सोर्सेज पढ़ाए हो, मैंने मैंने मे भी नहीं पढ़ाए क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, तो डिपेंडेंट सोर्स में बहुत से लोग यही बोलते हैं कि दे कैन नॉट सप्लाई एनर्जी, बट मैं बोलता हूँ कि दे कैन सप्लाई एनर्जी और नॉट। ऐसा हो सकता है कि करें भी और ना भी करें, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो यही बोलता हूँ, यानी यहाँ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, दैट्स वाई उसने पूछा डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी यही से एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, बताओ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मीन्स 4 ऑप्शन है, डिलीवर कर रहा है इतने वोट, एब्जॉर्ब कर रहा है इतने वोट, जितना भी दिया हुआ है। सॉरी, सबसे पहले तो भाई मुझे ये बता दो ये कौन सा वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, क्या है? देखो भाई, आई एरो दिया हुआ है तो करंट सोर्स है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट, जल्दी बता देंगे कितना आएगा। जीरो जीरो जीरो, सबका आया 0 आंसर, बढ़िया। बाकी बच्चे देख रहे हैं ना, इसको शेयर कर दिया करो जिससे कि बाकी लोग भी आ जाएं जो प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है, तो बाकी लोगों को भी बेनिफिट होना चाहिए, फ्री क्लास का, लाइव क्लास इंटरेक्ट कर पा रहे हो आप एजुकेटर के लिए साथ, है ना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बाकी लोगों को भी बता दें, ऐसा थोड़ी है कि आपका कॉम्पिटिशन एकदम नहीं, वो तो कॉम्पिटिटर है बताना, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस ओनली, कोई आपसे छीन के नहीं ले जाएगा रैंक, बाकी लोगों को बता सकते हैं। यहाँ फैकल्टी एफर्ट कर रही है आपके लिए कि आपको रैंक आ पाए, क्योंकि रिजल्ट जबरदस्त आना चाहिए एकदम धमाकेदार वाला ना। जल्दी बताएं इसको, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू गाइज आर सॉल्विंग।
बता दो यार इसको। हाँ डिलीवर, क्योंकि देखो यहाँ डिलीवर और एब्जॉर्ब करना है, यानी दो ऑप्शन है। यानी आपका आंसर या तो 80 आएगा या 40 आएगा, लेकिन उसमें भी आप फंस जाओगे, यानी दो ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे तो तब भी रहेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक क्लियर करके चलो, डिलीवर है एब्जॉर्ब वट एवर दिक्कत। देखो भाई करना क्या है, करना क्या है, ये दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स सॉरी, तो यानी आपको करंट पता है भाई, पावर डिलीवर्ड और एब्जोर्ब क्या होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन करंट पता है, करंट ये है ठीक है 1/5, और वोल्टेज मान लीजिए, सम वोल्टेज मैंने वी मान लीजिए, यहाँ एक कोई वोल्टेज मान लिया वी ए, ठीक है वी ए और बी ए। अब देखो भाई मैं जो पोलैरिटी लेके चलाऊं वो कुछ ऐसी लेके चलाऊं कि ये डिलीवर करेगा, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, भाई मैं ऐसी पोलैरिटी लेके चलाऊं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है तो ये क्या कर रहा होगा भाई, भाई ये डिलीवर, फाइन ये डिलीवर कर रहा होगा। कन्वेंशन आप पीछे देख सकते हैं, मैंने इसीलिए कन्वेंशन। सो आप मुझे पहले तो एक बात बता दो कि देखो भाई ये वी वन दिया हुआ 20 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 20/5, 20/5 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर इंटू वी ए, तो बस आप वी ए निकाल दो, यानी ये तो 4 एम्पियर सीधा सीधा दिख रहा है आपको इवन की वैल्यू रखने के बाद। किसी का आया है क्या आंसर, एब्जोर्ब 80 वॉट? तो भाई एब्जोर्ब नहीं होगा ये, मुझे जहां तक याद है, बाकी लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, तो देखो भाई आपको वी ए निकालना है, बस वी ए निकालना है, तो ये वी ए, तो मान लीजिए यहाँ मैंने वी ए मान लिया इसको। अब आप बताओ मुझे वी ए -20/5, तो एक केसीएल लगा रहा हूँ नोट पे, नोडल एनालिसिस, फिर प्लस वी ए बाई फाइव ये हो जाएगा, ठीक है भाई ये हो जाएगा, और एक करंट उधर से आ रही है -4 ना, इसको देखो क्या ये -4 ही तो करंट है कि वी वन दिया हुआ। अब देखो आप क्या करो, वी ए -20 प्लस वी ए -20 इज इक्वल टू 0, तो 2VA इक्वल टू 40, तो VA इक्वल टू, VA अगर आपका 20 वोल्ट आया, पावर कितनी होगी भाई, पावर कितनी होगी 4 × 20, आया आंसर 80 वोल्ट। बट मैंने फिर बताया जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, वो हुई भी है अभी, तो 80 वोल्ट क्या है डिलीवरी, आप ये बताओ। बस आप इस चीज का ध्यान दो कि जो मैंने पोलैरिटी मानी थी, जो मैं ज्यूम करके चला था, क्या मेरा VA उस पोलैरिटी से ऑपोजिट आया है। भाई हम रेफरेंस क्यों लेते हैं किसी भी चीज का, मान लीजिए कोई वोल्टेज आया है, तो वो किसके रेफरेंस में आया, जो हमने रेफरेंस माना उसी के रेफरेंस में आया पॉजिटिव। अगर ये निगेटिव आ जाता तो इसका मतलब आपको साइन चेंज करने पड़ते, ठीक है। तो VA सेम रेफरेंस में आया, मीन्स हमने जो पोलैरिटी एज्यूम की थी वो डिलीवर वाली थी, ठीक है, इट वुड डिलीवर 80 वोल्ट, तो आंसर होगा ए। अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, एब्जॉर्ब आपका गलत है। शर्मा जी आप बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है, अच्छे क्वेश्चंस पावर पे आया करते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी और भी क्वेश्चन मैंने स्पेशल क्लास में भी कराए हैं, वहां पे भी आप मेरी स्पेशल क्लास पहली देख सकते हैं, डेफिनेटली विल फाइंड सम क्वेश्चंस, ठीक है ठीक है। बता दो यार, बता दो एक बारी कि क्लियर हुआ सभी को, आपका आंसर नहीं है 80 आपका, देखो या नो, क्लियर नहीं हुआ नो, ओके मीन्स आपको क्लियर नहीं हुआ। सी भाई देखो, देखो यार मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, वोल्टेज सोर्स हो करंट सोर्स हो, ठीक है, वो पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। अगर ये तो वोल्टेज की पोलैरिटी हो और ये करंट की पोलैरिटी हो, मतलब करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई हो, तो वही चीज है कि नहीं है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रही है, मींस तो मैंने कुछ ऐसी पोलैरिटी मान ली, बस फिर यहाँ का जो वोल्टेज है वी ए निकाल लिया वी ए, क्योंकि देखो भाई यहाँ अगर वी ए होगा ये ब्रांच में, यहाँ भी तो वी ए ही होगा, ठीक है यहाँ वी ए होगा, इस वीए को निकाल लिया, और बाकी तो ये सब इंफॉर्मेशन तो पूरी की पूरी नॉन ही है।
की पूरी इंफॉर्मेशन नोन है, वीए निकाल लिया, वीए निकाल के मैंने बता दिया। देखो हाँ, इन केस अगर ये वीए निगेटिव आ जाता, वीए निगेटिव आता इसका मतलब ये एब्जॉर्व कर रहा होता पावर, फाइन, ये एब्जॉर्व ही कर रहा होता, तब आंसर आता एब्जॉर्बेटिव। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, समझ में आया, थैंक यू। हाँ कोई नहीं, एक बार और समझ लो, कोई इशू नहीं है, मैं कितनी बार भी समझा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक और फिर पावर पे क्वेश्चन करेंगे, ये भी क्वेश्चन गेट ही का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली। इन द गिवन सर्किट द पैरामीटर के इज पॉजिटिव, मीन्स सी दिस इज द पैरामीटर, अननोन पैरामीटर, एंड द पावर डिसिपेटेड इन 2 ohm resistor is 12.5 वोल्ट। ये है 2 ohm resistor, ये है V नोट, और ये डिपेंड कर रहा है करंट सोर्स है, ये V नोट पर डिपेंड कर रहा है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर के, और ये एनएटी क्वेश्चन था, मींस आपको फिल करनी है वैल्यू। समझ में आया, बाकी कोई भी इशू हो दोबारा पूछ लेंगे, इसको आप करें ट्राई एक बारी, ठीक है, एक बारी ट्राई करें कि क्या अननोन वैल्यू की होगी। ठीक है चलो, ओके लिख दिया तो मतलब समझ में आ गया। अब इसको बताएं, देखो उसने पूछा भाई, थोड़ा सा वही पावर वाला ही कॉन्सेप्ट है, चाहो तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो यार, उसने पूछा पावर डिसिपेटेड जो ये 2 ओम वाला है इसमें 12.5, तो भाई मुझे बताओ, वी लिखा हुआ है, मेरे पास आर है, तो जो पावर होती है वो क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर, आर कितना है 2, और ये पावर दी हुई है 12.5। सो यहाँ से जो वी नोट निकल के आएगा वो आएगा 12.5, ये हो गया 25, और ये आएगा प्लस माइनस 5। देखो भाई प्लस माइनस 5 आया, मैं फिर बोल रहा हूँ एनईटी क्वेश्चन में यही चीज़ें आपकी टफनेस बढ़ा देते हैं, यही चीज़ें, क्योंकि प्लस माइनस में आप फंसेंगे। देखो भाई मैंने क्या बताया, वी नोट आपका प्लस माइनस आया, वी नोट माइनस आपका प्लस माइनस आया, तो आप क्या लेंगे, वी नोट आप प्लस 5 वोल्ट लेंगे, ठीक है ना, वी नोट प्लस 5 वोल्ट लेंगे, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फिर ये है, यानी यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्व नहीं कर रहा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये वी नोट बाई 2 आपको दिख रहा होगा करंट की डायरेक्शन, और यहाँ से जो करंट जाएगी वो होगी वी नोट बाई 2। अब इस नोड को पकड़ के चल लो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सी हियर, इस नोड ए को पकड़ के चल लो भाई, तो करंट एक यहाँ से आ रही है वी नोट बाई 2, तो आ रही है तो माइनस लिखेंगे वी नोट बाई 2, और देखो एक करंट यहाँ जा रही है 5 एम्पियर, तो इसको प्लस 5 लिख दोगे। मैंने क्या बताया, करंट सोर्स के सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम तो करंट में इंटरेस्टेड हैं। सेकेंड सी भाई, एक करंट यहाँ और आ रही है, वो क्या है, माइनस के वी नोट इज इक्वल टू 0, दिख रहा होगा आपको, ये के वी नोट एक करंट ये आ रही है नाउ, तो देखो अगर ये रजिस्टर ना भी देता ना तो आपका काम चल जाना था, है ना, ना भी देता मान लो, और भी टफ क्वेश्चन को बना देता हूँ। सो माइनस वी नोट प्लस 10 माइनस 2 के वी नोट इज इक्वल टू 0, सो दिस वुड बी वी नोट प्लस 2K वी नोट इज इक्वल टू 10। अब देखो भाई वी नोट आया 5 मेरे पास, है ना, 5 प्लस हो गया 10 वी नोट इज इक्वल टू 10, तो वी नोट 10 वी नोट सॉरी 10K, तो 10K वुड बी 10 माइनस 5 5, और सो K वुड बी 0.5। देखो उसने पूछा भी क्या है, पैरामीटर K इज पॉजिटिव, देखो यहाँ भी इस चीज को समझो यार, पैरामीटर के इज पॉजिटिव, ठीक है, देखो अगर आप क्या करते, वी नोट यहाँ माइनस भी ले लेते, चलो माइनस 5 वोल्ट ले लिया आपने, तो देखो यहाँ क्या चेंज होता, माइनस 5 और ये माइनस 10,
के इक्वल टू टेन, देखो के आपका कैसा आता बच्चे, नेगेटिव आ जाता। आप यहां से भी समझ जाते, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से जिसने पढ़ा होगा, अगर उसे लॉजिक भी नहीं पता वाई वी नोट ए क्या चक्कर है, वो फिर भी इस चीज को सॉल्व कर लेता अगर इस लाइन को पढ़ते। पैरामीटर के इज पॉजिटिव, पैरामीटर के इज पॉजिटिव। फाइन, आ गया भाई सभी को समझ में? वीर शर्मा ब्रिलियंट, थैंक्स। द 0.02 किसका आंसर है भाई? 0.02 नहीं है, 0.5 इज द आंसर, 0.5 इज द आंसर। चेक कर लो एक बार सॉल्यूशन को फिर से। 0. देखो भाई, ये ना छोटी मोटी मिस्टेक मत किया करो 0.02, क्योंकि आपके सीधे या तो 2 मार्क्स होंगे या फिर 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। मिस्टेक मत किया करो जल्दी के चक्कर में, ना मिस्टेक ना किया करो। यस हाँ ठीक है, समझ में आ गया मीन्स। एक क्वेश्चन और कर लो फिर, आज के लिए बस इतना ही खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन और है ठीक है, इस क्वेश्चन को और कर लो। इस क्वेश्चन को ना, वैसे हालांकि मैं आपको बता दूं, 12th के फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन है, 12th फिजिक्स का ही ये क्वेश्चन है ही एग्जैक्टली, और गेट में आया है ठीक है, गेट 2000 आई थिंक 15 या 14 में आया है इलेक्ट्रिकल में, और क्वेश्चन फिजिक्स में दिया हुआ है, बुक भी आपको मैं बता सकता हूँ, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अब आप क्या करें, इसको सॉल्व करें एक बारी, तो आप समझ सकते कितना बेसिक। देखो एनर्जी पावर जिस पे ही भेजते, इन द फिगर हीट प्रोड्यूस्ड इन द 5 ओम रेजिस्टर, उसने क्या बोला देखो, इन द सर्किट शोन लिखा हुआ है, तो बस गेट में इतना लिखा था कि द पोर्शन ऑफ द सर्किट शोन, आपको मैं गेट का बता दूं, पोर्शन ऑफ यानी किसी भी बड़े से सर्किट का एक ये छोटा सा पोर्शन है, ऐसा बोला था गेट ने। और बुक में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा हुआ। फाइन, नाउ हीट प्रोड्यूस इन द 5 ओम रजिस्टर ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 10 कैलोरीज, 10 कैलोरीज पर सेकेंड ठीक है। द हीट जनरेटर इन द 4 ओम रजिस्टर इज, देखो उसने जो गेट का क्वेश्चन NAT था और आंसर आपको कैलोरीज पर सेकेंड में ही देना था। फाइन, तो ये तो टेंशन करने की बात ही नहीं है, ये तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि आपको क्या दिया हो ठीक है, आपको कैलोरी पर सेकंड दिया हुआ है, बट अल्टीमेटली आपको क्या दी हुई है, पावर दी हुई है, कैलोरी पर सेकंड है ना ठीक है, पावर दी हुई है। मैं अभी बताया था 1 वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल ठीक है, वॉट सेकंड को सेकंड से डिवाइड कर दो है ना, वॉट सेकंड को सेकंड से डिवाइड कर दो, कैलोरी आ जाएंगी। देखो भाई, और यहाँ मान लीजिए करंट आई फ्लो होती है, यहाँ करंट आई फ्लो होती है, उसने बताया जो पावर है वो 10 कैलोरीज पर सेकेंड है, किसमें किसमें है वो 5 ओम वाले रजिस्टर में, तो आप मुझे 5 ओम वाले रजिस्टर में बता दोगे जरा करंट कितनी होगी, सी करंट इन, आप सोल्व करते रहिए मैं करता हूँ, करंट इन 5 ओम रजिस्टर भाई, करंट इन 5 ओम रजिस्टर, देखो भाई करंट डिवीजन लगा दो, करंट डिवीजन लगा दो, 12th में तो नहीं आता था आपको करंट डिवीजन, बट यहाँ लगा दो है ना, तो इसमें जो करंट होगी तो ऊपर क्या लिखोगे आप, पहले ऊपर क्या लिखोगे 10, नीचे क्या लिखोगे, दोनों का सम यानी 10 प्लस 5 इंटू आई, ये करंट होगी किसमें, 5 ओम रजिस्टर में, मान लीजिए आई डैश मान लिया मैं इसको, तो आई डैश, अब देखो 10/15 यानी आई थिंक 2/3, 2I/3 एम्पियर करंट हुई इस, तो अब आप मुझे बताओ भाई जरा 2I/3 अगर करंट इसमें है, अब मुझे जरूरत नहीं है आई डैश वगैरह लिखने की, अगर यहाँ 2I/3 करंट है तो भाई यहाँ कितनी होगी, I/3 के नहीं, I/3 करंट होगी ठीक है, I/3 प्लस 2I/3 टोटल I बन गया फाइनल, क्योंकि एंड में तो I ही निकल के आएगी। फाइन सी, मुझे बताओ उसने बोला 5 ओम वाला जो रजिस्टर है, 5 ओम वाला रजिस्टर है उसमें जो पावर डिसिपेटेड है वो 10 है, तो पावर इज इक्वल टू I²R, और I कितनी है 5 ओम वाले में, 2I/3² × 5, और पावर देखो भाई कितनी दी हुई है 10, मैंने बताया यूनिट वगैरह की टेंशन मत लो, कैलोरीज पर सेकंड में ही पूछा हुआ था आंसर, अदरवाइज आपको टाइम भी गिवन होता फिर ये ना उसी भाई, इसको 4I²/9×5=10, सो मैं सिर्फ I² की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, 10×9/4×5 ठीक है भाई, और ये 9/2, 9/2 मैंने क्यों निकाला I² ये भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्या पूछा है,
हीट जनरेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, पल निकाल देंगे हीट जनरेटेड 4 ओम के रजिस्टर में। तो कैसे निकालते हो भैया, आप देखो दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है तो करंट सेम होगी, तो हीट जनरेटेड क्या होगी, आई बाई थ्री स्क्वायर इंटू जिस भी रजिस्टर में आप निकाल लें, तो आई स्क्वायर इंटू 1/9 इंटू 4। मैंने आपको बताया मैंने क्यों इंटरेस्टेड था मैं आई स्क्वायर वैल्यू निकालने में, इसलिए। तो आई स्क्वायर कितना है भाई, 9/2 इंटू 1/9, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हुआ 2, इट्स आंसर वुड बी 2 कैलोरीज पर सेकेंड। कुछ नहीं करना था आपको, ये सिर्फ क्वेश्चन था, ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन था। अगर आप 12th बेसिस पे करेंगे तो बस आपको इतना हो सकता है, करंट डिवीजन ना आता हो तो फिर भी आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से, वोल्टेज निकाल के, है ना, यहाँ जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे सेम होगा लाइक दिस प्रॉपर वे में, आई स्क्वायर आर से आई को अंडर रूट में कुछ ले लीजिए, सेम उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना हो। बट ये बता दो मुझे यार कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन काफी सिंपल था, तो ऐसे क्वेश्चन भी गेट में आ जाते हैं, ये नहीं है कि टफ ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन। टू बिल्कुल सही, अदर अप्रोच, देखो भाई अदर अप्रोच से, अदर अप्रोच वो 12th वाली अप्रोच है, मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको, देखो ये जो करंट है ना, ये जो करंट है हमने तो डिवाइड कर लिया, आप डिवाइड मत करो कुछ, मान लो है ना, मान लीजिए आई डैश मान लिया, तो यहाँ एक वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज इन दोनों में होगा, इसको सीरीज में वोल्टेज डिवीजन आप कर लेना, हो सकता है उन लोगों को केवीएल भी लगाना पड़े, यानी कुल मिला के आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पे आई करंट निकालना इन टर्म्स ऑफ वट एवर यू आर प्रोवाइडेड विद, ठीक है, ठीक है भाई फाइन, ठीक है इसको चलो बाद में करते हैं। ओके गाइस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दें सभी जल्दी से जल्दी, और लाइक कर दें वीडियो को, और ये जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर देंगे, है ना, इसको मत भूलना, जिससे कि मेरी क्लास का रेगुलर आपको पता चलता रहे। और आज 7 बजे, 7 बजे स्पेशल क्लास है, ठीक है, स्पेशल क्लास है अभी तक तो अनाउंस है, इन केस कुछ अगर होता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, फाइन सी। और उससे अलग मैं आपको बता दूं, 3 बजे, 3 बजे जो मेरी क्लास है वो मेजरमेंट वाली है, वो चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ESC EC, बस इतना सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो करें, ठीक है भाई, ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।